हमारी नगरी को साफ स्वच्छ रखने वाले सफाई कर्मचारियों को पटका उड़ाकर सम्मानित किया गया। जी हाँ, धार्मिक नगरी वृंदावन में स्वामी सेवादास जी की अध्यक्षता योगानंद आश्रम स्थित मोती झील में सफाई कर्मचारियों का पटका पहनाकर सम्मान किया गया। महात्मा स्वामी देवानंद जी ने कहा कि सफाई कर्मियों का योगदान ब्रज के लिए सराहनीय है। जिस तरीके से ये ब्रज को सुंदर बनाने में समय पर सफाई करते हैं और वृंदावन को स्वच्छ बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं, ऐसे लोगों का सम्मान करके हमें बड़ी खुशी मिली है। स्वामी सेवादास जी महाराज ने कहा, स्वामी देवानंद जी द्वारा किया गया सफाई कर्मियों का सम्मान काफी सराहनीय है। स्वच्छ और स्वस्थ रखने में उनकी अहम भूमिका रहती है। डॉक्टर चंद्र जय प्रकाश सरस्वत जी ने कहा कि बाद के सभी सफाई कर्मचारियों को बुला करके महाराज जी के द्वारा मिठाई का डब्बा व पटका पहना करके सभी को सम्मान किया गया। इस तरीके से आयोजन समय समय पर होते रहते हैं। स्वामी सेवादास जी, नंद किशोर शर्मा जी, पंडित लक्ष्मी नारायण जी आदि उपस्थित। बहुत अच्छा लगा, हमारे देवानंद जी महाराज ने जो सफाई कर्मचारी हैं वृंदावन में सेवा करते हैं वार्ड की, उनके बहुत सुंदर ढंग से उनकी सेवा मिठाई और दक्षिणा दे करके सम्मान किया। वास्तविक में उनका सम्मान करना चाहिए, वृंदावन की सेवा करते हैं, बहुत बहुत स्तुति कार्य है। और मैं तो बार बार कहूँगा, देवानंद जी महाराज के मन में भावना आई, बहुत स्तुत्य है, वंदनीय है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज के पावन पर्व पर हमने और स्वामी शिवानंद जी ने ये विचार विमर्श किया कि जो वृंदावन का सफाई के दायित्व को संभालते हैं हमारे सफाई कर्मी, उनका भी सम्मान होना चाहिए, जो कि हमारे पूरे ब्रज की देख रेख सफाई पवित्रता रखते हैं, जो कि बाहर से आने वाले यात्रियों के द्वारा जो गंदगी फैलाई जाती है और यहाँ के द्वारा भी जो गंदगी यहाँ रोडों पर जो बहती है फैलती है, उनको हमारे सफाई कर्मचारी भाई जो हैं वो उसको निस्तारण करते हैं, पवित्रता लाते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि उन लोगों का भी सम्मान होना चाहिए और वास्तविक में उनका सम्मान करना भी चाहिए, क्योंकि वह ही हैं जो कि हमारे ब्रज जैसे वृंदावन जैसे धाम को पवित्र रखने में पूरा अपना सहयोग समर्पण करते हैं। जय श्री राम।